तो देखिए इस सवाल को क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा सिद्ध करना है। किससे करना है, टेन क्यू थीटा माइनस एक बटे टेन थीटा माइनस एक। तो आप सभी जानते हैं इस तरफ जो रहता है उसे क्या कहते हैं, एल एच एस बराबर आर एच एस कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ वाले को लेंगे, यानी कि आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए और इसको उतारना है, यानी कि हम क्या ले रहे हैं, एल एच एस। तो यहाँ पे एल एच एस लिख लीजिए और सवाल को लिखिए, क्या है, टेन क्यू थीटा माइनस वन बटे टेन थीटा माइनस वन। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, तो हम देख रहे हैं ये क्यू है, तो हम यहां पर भी क्यू लगा सकते हैं, एक का क्यू करिए, स्क्वायर करिए, वर्ग करिए, जो भी करिए तो एक ही होगा। तब आपको एक याद रहना चाहिए, एक सूत्र क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट में फिर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए अब हम इस तरह से, हमको इतना दिया गया है, ये मान लीजिए ए हो गया और ये बी हो गया, तो हम इतना लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो चलिए आपका ए कितना है, टेन थीटा, और बी कितना है, एक, तो एक लिख लिए। चलिए उसके बाद फिर आप इधर लिख लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है, तो ए कितना है तुम्हारा, टेन 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 थीटा गुना बी कितना, एक लिख लिया, प्लस उसके बाद फिर क्या है, बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, नीचे वाले को उतार देते हैं, नीचे वाले को उतार देते हैं, टेन थीटा माइनस वन। तो देखिए आप यहां पर जरा गौर से कि ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, तो हम कटा देंगे, ये और ये कट गया। तो अब आपका क्या बचा, यहां पर टेन स्क्वायर प्लस टेन थीटा गुना एक प्लस इतना बच गया। इसको तो आप एक ही मान लीजिए क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो इसे हम इसके से साथ जोड़ देंगे क्योंकि ये सबके साथ जुट रहा है, तो इसके साथ जोड़ देंगे। तो यहां लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन और फिर लिखेंगे प्लस टेन थीटा, ये हो गया आपका। तो इसका मान होता है आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, इसका उल्टा होगा आपका, इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखिए आपका सेम प्रूव्ड हो गया यहां पे। तो अब आप लिख सकते हैं यहां पर कि एल एच एस बराबर आर एच एस सिद्ध, या आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं प्रूव्ड, सिद्ध हो गया।